खबर अजीतगढ़ से। करीब ढाई घंटे से ज्यादा रुके अस्पताल में सुनी लोगों की समस्या। अतिरिक्त कलेक्टर ने पीएमओ को निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार निमक थाना के अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनिल कुमार महला ने निमक थाना के अतिरिक्त कलेक्टर का चार्ज लेने के बाद पहली बार शुक्रवार की सुबह 10 बजे जिले के तीसरे नंबर पर आने वाले बाबा नारायण दास राजकीय सामान्य चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने मरीज वार्ड, जच्चा बच्चा वार्ड, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, ऑक्सीजन प्लांट, एक्स्ट्रा रूम, लेबोरेटरी, चिकित्सक चैम्बर, इमरजेंसी रूम समेत अजीतगढ़ अस्पताल परिसर में घूमकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थिति पीएमओ को कई अव्यवस्थाओं को समस्याओं के सुधार के तुरंत निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ अजीतगढ़ उपतहसील के उपतहसीलदार जयपाल सिंह, अजीतगढ़ अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर ओपी वर्मा, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र स्वामी, अजीतगढ़ पंचायत समिति के प्रधान शंकर लाल यादव समेत कई लोग मौजूद थे। हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया है और पूरे स्टाफ के साथ में, पीएमओ साहब के साथ में और सामान्य जो सम्मानित नागरिक गण है उन सभी के साथ में बैठ के चर्चा की गई। जो नागरिक बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में बाबा साहब के रूप में काम करते रहते हैं उन सभी के साथ में बैठ के चर्चा की गई है। सारी व्यवस्थाएं लगभग दुरुस्त हैं। छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं, कोई साफ़ सफाई का मैटर है, कोई छोटा मोटा एक डॉक्टर्स के चैम्बर्स को चेंज करने का है जिसमें डॉक्टर्स खुद भी सहमत हैं। पीएमओ साहब को ये अनुरोध भी किया गया है कि आप समस्याएं बिंदुवार तरीके से चरणबद्ध की गई और उन पर अस्पताल प्रशासन और राज्य सरकार के नुमाइंदे श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर के द्वारा और हमारे गाँव के सम्मानीय नागरिक यहाँ के जनप्रतिनिधि और हमारे मीडिया के बंधु जिनको पहले से सर्व विदित था कि क्या क्या समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को चरणबद्ध करते हुए बिंदुवार उन पर चर्चा की गई और अधिकांश बिंदुओं पर सहमति भी बनी और समाधान निकला। क्योंकि जो समस्याएं थी वो अस्पताल प्रशासन स्वयं की वजह से ही थी, कोई बहुत मोटी ऐसी समस्याएं नहीं थी जिनकी वजह से कि उनका समाधान नहीं हो सके। तो आज अधिकांशतः समस्याओं के समाधान पर चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि अगर अस्पताल प्रशासन इसको सकारात्मक रूप से इम्प्लीमेंट करेगा तो इसके परिणाम कुछ ही दिनों में देखने को मिलेंगे।